The boy is cycling such that the wheels of the cycle are making 140 revolutions per hour. यानी कि अगर हम बात कर लें कि टाइम 1 घंटा 1 आवर और कितने रिवॉल्यूशन लगा रही है वो, रिवॉल्यूशन का मतलब 140 रिवॉल्यूशन। देखिए जब इस प्रकार के सवाल आते हैं तो पहले भी आपको बताया कि पहिया जो होता है अगर ये इस प्रकार है तो इसी को क्या कर दें, इसको आप सर्कुलर बना दें, ठीक है, क्या बना दें, सर्कुलर बना दें, तो यानी कि जो इतना घेरा होगा उतनी डिस्टेंस हो जाएगी। तो घेरा जो होता है सर्किल का उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर, क्या बोलते हैं, तो पैरामीटर अगर हम ले लें सर्किल का तो वो पहिए के एक राउंड द्वारा चली गई दूरी के बराबर होगा, पहिए के एक राउंड चली गई दूरी के बराबर क्या होगा, पैरामीटर ऑफ दैट सर्किल। तो हम देख लेते हैं पैरामीटर ऑफ व्हील कितना है, वो हम क्या कर लेंगे, हाँ वही सर्कमफ्रेंस, चलो भाई कितना होता है, 2 पाई आर, व्हाट इज दिस, इसके पैरामीटर वो क्या कहते हैं भाई, सर्कमफ्रेंस, ओके, तो 2 पाई आर। चलिए अब इसको आपको दे रखा है क्या डायमीटर, तो जो डायमीटर होता है, डायमीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 2 आर के, तो रेडियस हो गया d/2, यानी कि डायमीटर अपॉन 2, कितना दिया है डायमीटर, 60/2, दैट विल बी, तो रेडियस मिल गया। तो भाई सर्कमफ्रेंस अब आ जाएगी कितनी आ जाएगी, चलो भाई सर्कमफ्रेंस आ जाएगी 2 × 22/7 और कितना, 30, इज दैट ओके। अब ये पहिया एक बार घूमता है, ठीक है, और 1 घंटे में कितना घूम रहा है, 140, ठीक है, कितना घूम रहा है, तो भाई क्या कर दें हम, डिस्टेंस कवर्ड इन 140 राउंड कितनी हो जाएगी, 2 × 22/7 × 30, ये पहिए की एक बार घूमने की जो डिस्टेंस है, तो 140 बार घूमना है यानी मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 2 = 14, अब आप कर लो 44 × 2, इतने सेंटीमीटर जा रहा है, इतने सेंटीमीटर जा रहा है भैया 140 राउंड में। अच्छा ये दूरी कितनी देर में तय कर रहा है, 1 घंटे में, कितने के देर में तय कर रहा है, 1 घंटे में, चलो। तो भाई अब इसको चेंज कर लेते हैं, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, क्योंकि हमें डिस्टेंस किस में निकालनी है, हमें निकालनी है क्या स्पीड किलोमीटर पर आर में, तो 1 घंटे में इतनी दूरी चली गई है वही स्पीड हो जाएगी। तो भाई इसको चेंज कर लीजिए, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/1, 2, 3 और 2 0 इसके, 4, 5 किलोमीटर के, ठीक। तो अब हमें निकालना कितने का है, 26400 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 26400/1, 2, 3, 4, 5, 1 0 से कैंसिल, 1 0 से एक और 0 कैंसिल, फिर ये 3 0 में 1 पॉइंट यहाँ लगाएगा, तो कितना आएगा, 0.264 किलोमीटर, क्योंकि ये 1 घंटे में तय की गई दूरी है इसलिए यही इसकी स्पीड हो जाएगी 0.264 किलोमीटर पर आवर, दैट्स विल बी योर आंसर, अंडरस्टूड।